हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसी मेनिया। तो आज हम 21 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे हैं, तो हम आज के वीडियो को दो पार्ट में अपलोड करते हैं। पहला वीडियो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में उसमें डिस्कस करेंगे, दूसरे वीडियो में हम जो है फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का जो पहला हमारा वीडियो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से। लेकिन जो हमारा आज का दिन है पहले उसको देख लेते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज क्या है फ्रेंड्स, आज आपका जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। तो आप सभी को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम जान लेते हैं ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था। तो देखिए 2014 में ये डिसाइड किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा कि इसको जो है 21 जून को पूरे विश्व में जो है योगा दिवस जो है मनाया जाएगा। तो हर बार जो है इसकी एक थीम तय की जाती है। तो इस बार इसकी क्या थीम तय की गई है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से। तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारा पहला आपका आर्टिकल है वो क्या है फ्रेंड्स, पहला आर्टिकल है कि नासा के कुछ साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि जो सैटर्न और जुपिटर है उनके जो मून्स हैं। तो हम जैसा जानते हैं कि सैटर्न के कितने मून्स होते हैं, आपका 82, मतलब जितने भी आपके 8 प्लैनेट्स हैं सबसे ज़्यादा मून्स उन्हीं के पास होते हैं। जुपिटर कितने होते हैं, जुपिटर के आपके 79 मून्स होते हैं। तो आपका सैटर्न का एक मून है इंसेलेडस और जुपिटर का एक मून है यूरोपा। तो इन दोनों के मून्स पे जो है कुछ पानी का ऐसा एक एविडेंस देखने को पाया गया है, मतलब ये ऐसा एक प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे लाइफ में भी जो है सपोर्ट हो सकती है। तो ये हमारा हुआ आज का पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स, दूसरा आर्टिकल हमारा है कि ये बता रहे हैं इसमें कि जो आपका कोरोना वायरस, जैसे कोरोना वायरस का अटैक होता है तो हम जानते हैं कि एंटीबॉडीज़ जो है अपने अपने बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये देखा गया है कुछ कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है ये पाया है कि जो इनका एक जो एक पीरियड होता है एंटीबॉडीज़ का वो काफ़ी कम होता है। मतलब जैसे हम एग्जांपल तौर पे देखें तो जो सार्स आपका जो आपका मर्स और कहते हैं कि जो सार्स 2002 में आपका सार्स आया था और जो मर्स है फिर ये भी आपका उसी मतलब ये आपका कह सकते हैं कोरोना वायरस की फैमिली का ही था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि आपका जो सार्स 2002 में और 2003 में जो मर्स आया था, तो ये दोनों जो है क्या था कि जब इनके जब इसका अटैक होता था इनकी कोरोना वायरस फैमिली का, तो जो उनके अंदर एंटीबॉडी होती थी वो काफ़ी साल मतलब 1 से 2 साल तक उनके अंदर ये डेवलप होती थी। मतलब उसके मतलब अगर उसके बीच अगर कोरोना वायरस का अटैक होता है तो वो उससे इंसुलेटेड, मतलब उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो कोरोना वायरस इस बार कोविड-19 का है, इसमें ये पाया गया है कि सिर्फ 2 से 3 महीने तक ही जो है इसका एंटीबॉडी जो है इसमें अंदर डेवलप होती है। तो हम जान लेते हैं एक बार कि कैसे एंटीबॉडी डेवलप होती है, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वर्क करता है। तो देखिए जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ये मेनली जो है दो तरीके की सेल्स होती हैं उन्हीं के मैकेनिज्म से वर्क करता है। पहला क्या है हमारा, पहला हमारा है इननेट सेल्स, ठीक है। तो इननेट इम्यून सेल्स क्या होती हैं, ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है। मतलब जब आपका कोई भी वायरस का या फिर किसी भी पैथोजन बैक्टीरिया का या किसी भी फंगाई का जब अटैक होता है हमारी बॉडी में, तो ये सबसे पहले होती हैं जो रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है। अगर जो है ये मतलब ये मेनली करती हैं, अगर ये जो है अच्छे मतलब इसको जो है ये फेल कर जाती, मतलब अगर उसको वो डिफेंड नहीं कर पाती हैं, तो जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको हम दूसरे में क्या बात कहते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी, फिर वो जो है इसको उसको जो है कहते हैं कि टैकल करती है। उसमें हमारा जो टी सेल्स है और जो बी सेल्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, मतलब उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत बनाने के लिए। तो मतलब ये क्या ये क्यों जो है दूसरा और जो दूसरा हमारा हमने देखा जो एक्वायर्ड और जो अडाप्टिव आपका इम्यूनिटी है ये काफ़ी समय मतलब काफ़ी समय लेता है ये होने में। मतलब ये जो है आपका जो वायरस है जो आपका बैक्टीरिया है उनके पूरे बिहेवियर को ट्रैक करता है और पूरा अपने उसमें जो है उसको की स्टोर करता है। मतलब फिर से मान लीजिए उसी वायरस का अटैक होता है तो फिर से मतलब वो उसको उनसे लड़ने में जो है पूरा सक्षम रहें। तो जो बी सेल्स है और टी सेल्स है जो आपका इस आर्टिकल में मेंशन है उसको हम एक बार जान लेते हैं। तो आपका बी सेल क्या होता है आपका फ्रेंड्स, बी सेल जो है कोई भी वायरस मतलब होता है वो जो है कहते हैं कैसे एंड लॉक और जैसे वो तकी होता है उसी टाइप के से जो है ये वर्क करता है। मतलब क्या है कि मतलब ये वाई शेप जो है प्रोटीन टाइप का होता है, ठीक है। और कोई भी जब वायरस मान लीजिए आता है तो इसमें क्लिंग होकर रह जाता है, उसी के बाद जो है ये लॉक टाइप का उसको कर लेता है और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर मतलब ये मेनली होता है। और जो आपका टी सेल होता है ये क्या होता है, ये मेनली दो तरीके का होता है फ्रेंड्स, ये आपका हेल्पर टी सेल होता है और आपका किलर टी सेल होता है।
तो जो आपका हेल्पर टी सेल होता है ये क्या करता है, ये जो है बी सेल्स को इम्यूनेट मतलब कि क्या कहते हैं कि स्टिमुलेट करता है कि जो भी आपके अंदर जो है सेल्स एंटीबॉडी होती है उसको डेवलप करने के लिए। और फिर जो किलर सेल्स होता है फिर वो क्या करता है, मतलब फिर वो उनको जो है किल करता है, वायरस को किल करता है। ये तो आपका हमने बात किया किलर सेल, और जो हेल्पर सेल क्या होता है वो एंटीबॉडी को डेवलप करता है मेनली। तो टी सेल के जो आपका जो किलर सेल होता है वो क्या होता है, वो मेनली जो है सेल्स को जो है मतलब मार देता है, कोई भी मतलब फॉरेन इन्वेडर था उसको जो है मार देता है, ठीक है। और इसके ये कैसे करता है फ्रेंड, ये जो आपका साइटोकाइंस होते हैं उसको कह सकते हैं कि उसको प्रोड्यूस करके ये मेनली ऐसा होता है। तो ये मेनली आपका जो कह सकते हैं इम्यून सिस्टम है ये इस प्रकार जो है वर्क करता है। ये पूरा हमारा इस आर्टिकल में डिस्कस किए हैं। दूसरा हमारा आर्टिकल क्या है, दूसरा आर्टिकल हमारा है कि इसमें बात कर रहे हैं उंगुलेट्स की। उंगुलेट्स क्या होते हैं फ्रेंड, उंगुलेट्स मेनली जितने भी आपके जो भी आपके एनिमल होते हैं, मैमल्स होते हैं जिनके खुर होते हैं मेनली, और जो बड़े होते हैं एनिमल उनको मेनली उंगुलेट्स कहते हैं। अगर मैं आपको एक फिगर दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से ये समझ में आएगा। देखिए ये जितने भी आपके एनिमल्स आप देखते हैं, जिराफ हो गया आपका, हिरन हो गया आपका, याक हो गया जैसे देखा आपने, जैसे ऊँट हो गया, ठीक है आपका, जैसे बारहसिंगा हो गया, तो ये सारे जो आपके एनिमल्स हैं इनको जो है आपके उंगुलेट्स मिलने क्या ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, ये हमने देखा उंगुलेट्स के बारे में। तो इस आर्टिकल में क्या बात कर रहे हैं उंगुलेट्स के बारे में, तो उंगुलेट्स के बारे में ये कह रहे हैं कि जो उनकी पॉपुलेशन है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। क्यों क्यों हो रही प्रभावित, क्योंकि जो है इसमें जो पॉप एक जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है वो काफ़ी ग्रोथ मतलब उनकी काफ़ी ग्रोथ हो रही है जो मेनली आपके हिमालयन रीजन में है, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो और बता रहे हैं कि जैसे जो आपके जो स्ट्रे डॉग होते हैं, जो आपके जंगली कुत्ते होते हैं मेनली, वो भी इनको काफ़ी हंड मतलब उनको काफ़ी जो है कह सकते हैं कि उन पर काफ़ी हमला करते हैं, तो भी उन पर ऐसा देखने मिला है। और ये मेनली किस पे हमला करते हैं, जो आपके थ्रेटन्ड और जो आपके इंडेंजर्ड जो काफ़ी रेयर वंस हैं उन पर ये मेनली अटैक करते हैं, जैसे आपका कियांग हो गया, चीरू हो गया, साइगा हो गया, टैकिन, तो ये सब आपके मेनली उंगुलेट्स के कैटेगरी में आते हैं। और यही मेन सिमिलरिटी देखी गई है जो आपका एंडीज, जो आपका एंडीज कहाँ है फ्रेंड, आपका एंडीज जो साउथ अमेरिका में है, ये आपका यही पहाड़ है जैसे आपका हिमालय है, वैसे ही आपका साउथ अमेरिका में एंडीज है, तो ये मेनली वहाँ पे भी ऐसा देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों देखने को मिला है और ऐसा क्यों मिलेगी, क्योंकि देखिए जो आपका एक कह सकते हैं कि डीग्लेशिएशन हो रहा है, मतलब कि क्या जो आप बर्फ़ है वो पिघल रही है, और आपका कह सकते हैं कि ह्यूमन का कॉलोनाइजेशन मतलब ह्यूमन के ऐसे ऐसे वहाँ पे सेटलमेंट बनाए जा रहे हैं, तो इसके भी माध्यम से हो रहा है। और क्या बता रहे हैं आगे कि जैसे अल्टरेशन मतलब क्लाइमेट अल्टरेशन, क्लाइमेट चेंज से भी होली हो रहा है, और लाइव स्टॉक का और एक टूरिज्म के जो भी आपका टूरिज्म वगैरह होता है उसके माध्यम से भी ये सब जो है वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि जो आपके मेनली 400 मिलियन फ्री रेंजिंग डॉग्स हैं, ठीक है, वो या तो जो है डिजीज़ के माध्यम से, या तो फिर जो है प्रीडेशन मतलब उसमें अटैक करके, या तो वो उनकी पॉपुलेशन वहाँ बढ़ गई जिसके माध्यम से जो उंगुलेट्स की कम्युनिटी है वो काफ़ी जो है कम वो उस पर जो है कम हो रही है मतलब। और ये मेनली क्या होते हैं, ये उन पर क्या होते हैं एक कहते हैं कि हमला भी करते हैं और उनको जो है खा जाते हैं। हमने देखा जैसे सैगा हो गया, ब्लू शिप हो गया, अरगाली, चीरू हो गया, कियांग, गोलार, आइबेक्स हो गया, तो ये सब जो है, और ब्लैक बक जो आपका हमने देखा काला हिरण जो है ये इस पे मेनली अटैक करते हैं, ये हमने जो है मेनली देखने को पाया है इसमें, इस पूरे आर्टिकल में बात कर रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि देखिए जैसे जैसे आपका जो डॉग्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो हमने देखा था जब या तो जो है उस पर अटैक करते हैं, या तो ऐसे कुछ वायरस वगैरह या फिर ऐसे कोई डिजीज़ लाते हैं, तो इसमें बता रहे हैं कि एक टेप वार्म होता है उसको भी ये जो है आपके जो डॉग्स होते हैं वो मेनली लाते हैं, तो उससे क्या होता है जब वो उसको कंज्यूम करते हैं, ये कहाँ से होता है, जो एक एक तरीके का घास होता है, ठीक है, वो जब उसको कंज्यूम करते हैं तो एक एक तरीके की बीमारी होती है जो आपका न्यूरोलॉजिकल डिस्टॉर्डर आप कहते हैं कि डिसऑर्डर होता है एनिमल्स में होती है, उसको कहते हैं क्या कहते हैं सिनरोसिस। इसको इसी ये जो है आपका मेनली हो जाता है, जो आपके मेनली वहाँ पे याक्स वगैरह मतलब जो वहाँ पे आपके कहते हैं कि बैल वगैरह होते हैं, और जो कहते हैं कि जो बर्फीले तरीके होते हैं आपने देखा होगा याक्स वगैरह, तो उनमें जो है ये बीमारी काफ़ी देखने को पाई गई है। और फिर आगे बता रहे हैं कि देखिए जैसा और भी बता रहे हैं कि आपका जो आपके पेस्टोरेट्स होते हैं मतलब जो वहाँ पे चारागार वगैरह होते हैं, और कुछ ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गया, जो सीज़न का रियलोकेशन हो गया, तो इन सब से भी जो है काफ़ी जो है उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये मेनली इसकी बात कर रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि देखिए जैसा ये बता रहे हैं कि जो आपका 19th और 20th सेंचुरी में जो आपके इश्यूज़ हैं मेनली, ये आपके जो मेनली ऐसे ओवर हार्वेस्टिंग हो गया, और जो पोचिंग हो गया, और वाइल्ड लाइफ स्लॉटर मतलब उनका जो है जो उनको मार देते हैं काफ़ी, ये सब तो जो है एक प्रेसिंग इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो है
आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, और जो हैबिटाट का जो है एक जो वहाँ पे जो आपके एनिमल्स वगैरह रहते हैं उनके हैबिटाट्स का डिस्ट्रक्शन भी जो है, ये मेनली जो है की इशू जो है बताए जा रहे हैं। तो ये मेनली इसकी पूरी जो है बात करते हैं इस पूरे आर्टिकल में। हमारा दूसरा आर्टिकल क्या है फ्रेंड, दूसरा आर्टिकल हमारा है कि वाइल्ड एनिमल्स जो है इन अर्बन क्लस्टर। ये किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में जो है हमने देखा काफ़ी जो है वाइल्ड एनिमल्स वगैरह वो जो है सिटीज़ में, टाउन्स में और अर्बन एरियाज़ में जो है बाहर देखने को मिले हैं। और फिर बात कर रहे हैं कि जैसे कुछ ऐसे जो और ऐसे काफ़ी एनिमल्स और काफ़ी जो वाइल्ड आपके एनिमल्स हैं, जैसा कि हमने देखा इसमें आगे बात कर रहे हैं कि जैसा कि ये देखा गया कि जो डॉल्फिन वगैरह हैं, गंगा डॉल्फिन है, वो भी काफ़ी कह सकते हैं कि देखने को मिली हैं। और इस्तांबुल में भी जो है एक डॉल्फिन पाई जाती है, वहाँ भी काफ़ी देखने को मिली है। तो मैंने जो है काफ़ी पिछले 3 महीने से एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ न्यूज़पेपर में, तो उसमें एक क्लिपिंग्स मैंने जो है कलेक्ट की थी, मैं उसको आपसे इसमें जो है साझा करना चाह रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो देखिए एक कहते हैं कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिला है, ये देखिए एयर क्वालिटी तो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। और नदियाँ देखिए काफ़ी साफ़ हुई हैं, देखिए कावेरी रिवर जो है इसमें देखिए इसमें शो किया गया है, ये भी आपका न्यूज़ आया था। तो उसमें देखिए जो आपका कावेरी रिवर है वो काफ़ी साफ़ हुई। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, जो ह्यूमन वेस्ट वगैरह है, वो उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। और देखिए हमने देखा जो है किस तरह रोड पर देखिए जो जो आपके ये जो हिरण वगैरह हैं वो काफ़ी आ गए थे। और फिर देखिए यहाँ पे ये देखने को पाया गया था कि काफ़ी सालों बाद जो है एक बताया जाता है कि कम से कम 30-20 साल बाद जो है ये ऐसा कुछ ये डक्स थी जो है ये गुवाहाटी में एक एक निगाली पुखूरी लेक थी, वहाँ पे ये देखने को मिली थी। देखिए ये सब जो है आपका इसमें देखने को जो है चेंजेस देखने को मिले हैं आपका लॉकडाउन लगने के बाद, ठीक है। तो ये मेनली इसकी बात कर रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि 5 रीज़न बता रहे हैं कि एक यूएस की आपका बेथनी ब्रुकशायर हैं, उन्होंने ये एक कॉलम में लिखा था कि जो आपके वाइल्ड लाइफ हैं कोविड-19 के पैंडेमिक वो काफ़ी ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं बाहर। तो देखिए उसके कई 5 रीज़न मेनली बता रहे हैं। पहला रीज़न क्या बता रहे हैं कि ऐसा कि जानते हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो सब बंद पड़ा हुआ है, और जो ट्रैश वगैरह हैं उसके सब जो उसकी मतलब कि वो सब चीज़ें हैं वो सब बंद पड़ी हुई हैं। तो इससे क्या हुआ है कि इससे जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो सभी जो है कहते हैं कि खाने की तलाश में जो है वो शहरों की तरफ आई हैं। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या बता रहे हैं, दूसरा रीज़न ये बता रहे हैं कि जो उनके जो आपके मीन्स ह्यूमन्स वगैरह, उनके जो पेट्स वगैरह हैं और जो मेनली ह्यूमन्स वगैरह हैं वो सभी जो है वो घरों में बंद हैं, तो ये सब भी जो है एक कारण है। तो तीसरा बता रहे हैं कि जो आपका बर्ड्स वगैरह देखिए है वो भी काफ़ी बाहर देखने को मिली हैं, और ये भी ये देखने को पाया गया था, एक ऑनगोइंग स्टडी हुई थी साउंड्स ऑफ द सिटी आपका यूएस में, ये देखने को पाया गया था मेनली, ठीक है। चौथा रीज़न बता रहे हैं कि आपका मार्च से मई के महीने में एक चेंज देखने को मिला था कि जो आपका एक जो सीज़न का चेंज काफ़ी देखने को मिला, जैसा हम अभी देखिए हमने हमने देखा था जो गर्मी का अपने इंडिया में था एक, वो जो है काफ़ी कम शॉर्ट पीरियड में होगा, लास्ट अगर लास्ट ईयर आपको याद होगा गर्मी थी काफ़ी दिन तक पड़ी थी। इस बार देखिए जो मानसून है वो काफ़ी पहले जो है काफ़ी ठीक ठाक मतलब मात्रा में जो है आ गया है, गर्मी भी काफ़ी कम पड़ी, मॉडरेट ही रही है। तो इससे भी जो आपके वाइल्ड लाइफ हैं वो काफ़ी जो है रोड पे वगैरह आए हैं। पाँच रीज़न क्या होता है, 5 रीज़न ये बता रहे हैं कि वही जो सब घर में रहे हैं, मेनली लॉकडाउन हुआ है तो इससे जो है मेनली लोग आए ही हैं बाहर। फिर बता रहे हैं कि कोविड-19 से चलते एक स्टडी कंडक्ट की गई है, ग्लोबल ह्यूमन कन्फाइनमेंट एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसमें ये पाया गया था कि ये सब जो है इसमें बता रहे हैं कि ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ये पाया गया था तो आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को पाया गया था, जो आपका जो ह्यूमन का प्रेजेंस मतलब कि ह्यूमन के प्रेजेंस होने से जो है आपका क्या क्या मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब पाया गया, मतलब जो आपके वाइल्ड लाइफ हो गए, जो मतलब कि हम जानते हैं जैसा कि जो आपके ह्यूमंस हैं वो जब जैसे लॉकडाउन है अभी तो सब घर में है, लेकिन उसके पहले जब नॉर्मल डेज में जो है आपके आपके जो ह्यूमंस हैं वो उनकी कभी काफ़ी मोबिलिटी होती थी और वो काफ़ी प्रोटेक्टेड एरियाज में और ये सब चीज़ों में जो है लोग होते थे। तो इससे ये जो आपका एक जो एक एक्सपेरिमेंट है और जो ये एक्सपीरियंस मतलब जो ह्यूमंस कॉन्फाइंड मतलब एक घर घरों में पैदा हैं, तो जो आपके जो इकोलॉजिस्ट हैं और जो आपके इन्वायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट हैं इन सबको एक कहते हैं आस्पेक्ट प्रोवाइड करता है कि आगे भविष्य में जो है कैसा मतलब ये एक उनको जो है ये कहते हैं कि आस्पेक्ट प्रोवाइड करता है
कि कैसे भविष्य में अगर जो है कोई भी इकोलॉजिकल जो एक डिसबैलेंस देखने को मिल रहा है उसको कैसे वो जो है कंट्रोल करते हैं, ये पूरा इस आर्टिकल में जो है मिलनी बात करते हैं। तो हमारे साइंस ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में इतना ही है फ्रेंड्स, हमारा दूसरा वीडियो आपका फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वाला होगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।